सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए ये आरोप लगाए गए, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। और बापू साक्षात ब्रह्म का रूप है। हमें यह सीखने को मिला कि हमें अपने माता पिता अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि जो बापू जी और साईं जी ने दिया है वो दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं दे सकती। बापू निर्दोष है, वो जो भी आरोप लगाए वो सब बेबुनियाद है, क्योंकि मीडिया भी इस बात को जानता है कि हमें विदेशी फंड से जो मिलता है उसके लिए वो आवाज उठा रही है। क्या है, राजनीति के तहत फंसाए गए हैं। बाकी बापू जी को करोड़ों लोग आज भी मानते हैं और वो जानते हैं कि बापू जी निर्दोष है। अभी राम मंदिर नहीं, गो हत्या, संतों के साथ अन्याय, इससे कैसे देश आगे बढ़ सकता। वासुदेव भाटिया, कहाँ से आए हो? नाथद्वारा। यहाँ किस लिए आए? नारायण सिंह जी के दर्शन के लिए। कितने सालों से बापू और साईं से जुड़े हो? बचपन से। बचपन से जाते हो, वहाँ से क्या सीखने को मिला, क्या देखने को मिला? वहाँ से हमें यह सीखने को मिला कि हमें अपने माता पिता अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि अपने गुरुजनों के आदर से ही हम महान बनते हैं। हमें यह सीखने को मिला कि हमें अपने अपने महान संस्कृति का आदर करना चाहिए। हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे न मनाकर मातृपितृ पूजन दिवस मनाए। मैंने भी कम से कम 40 से 50 स्कूलों में मातृपितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम करवाया है। क्या नाम? कमल भाटिया। आप भी नाथद्वारा से? कितने सालों से जुड़े हो? 22 साल हो गए। 22 सालों से। ये जो बापू साईं पे जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहो? बापू निर्दोष है, वो जो भी आरोप लगाए वो सब बेबुनियाद है। जीवन में क्या परिवर्तन आया? जीवन में हमारे को तो जो बापू से मिला वो कहीं से भी नहीं मिलता है। मंदिर में इधर उधर भटको, भगवान को देखने, भगवान अपने सब मन के अंदर है। वो बापू साक्षात ब्रह्म का रूप है। क्या मांग करोगे सरकार से? भगवान हमारे ब्रह्म को जो परेशान करेगा वो भी आगे पीछे उसको भी परिणाम मिलेगा, यही हमारी इच्छा है। क्या नाम है? सतीश चंद अग्रवाल। कहाँ से आए? बड़ौदा से। किस लिए आना हुआ? नारायण साईं जी के दर्शन करने हेतु। कितने सालों से जुड़े? 22 साल से। 22 सालों से जुड़े हो। ये बापू साईं पे जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? वो बिल्कुल हरिओम षड्यंत्र के तहत बापू जी और नारायण साईं जी को फंसाया गया। बापू जी और साईं जी निर्दोष थे, निर्दोष ही है, और हम तो उनको आजीवन निर्दोष ही मानेंगे, क्योंकि जो बापू जी और साईं जी ने दिया है वो दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं दे सकती। भगवान दिया है, बापू जी ने सच्चाई से सत्संग दिया, ज्ञान दिया, जीवन में औरों को परोपकार करना सिखाया, इससे बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता। कल ही हमने गौत्री पे छाछ की शरबत की सेवा करी थी, हजारों लोगों की दुआएं निकलते कि आपके बापू जी, अभी तो साधक पर नॉन साधक भी कहने लगा है कि बापू जी निर्दोष है, उनको राजनीति के तहत फंसाया गया है। बाकी बापू जी ने जो समाज को दिया है वो समाज कभी भुला नहीं सकता। ये भले अनदेखा कर रहा है लेकिन बापू जी ने जो दिया है उसकी कल्पना भी करना, मतलब अपने मुख से बखान भी नहीं कर सकते। प्रभु जी, इतना कुछ बापू जी के सत्संग में मिलता है और ये सब षड्यंत्र के तहत सत्संग से दूर कर दिया, ये बहुत बड़ा पाप है। बाकी बापू जी के जेल से और नारायण साईं जी को झूठे आरोप में फंसाने से आज सत्संग से समाज को दूर करना बहुत बड़ा पाप है। इससे समाज को जो संस्कृति मिलती थी वो दूरी हो गई है। बाकी समाज रिश्तेदार नातेदारों में जाते हो, संकोच नहीं होता कि आसाराम जी बापू के शिष्य होता हो? हमें जो बापू जी ने दिया है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। मैं तो किसी भी रिश्तेदार के यहाँ कहीं भी जाता हूँ तो हक से बोलता हूँ कि मैं आसाराम बापू जी का शिष्य हूँ, और कोई प्रूफ भी मांगता है तो मैं डायरी भी अपने साथ रखता हूँ। भरे मीडिया में किसी के भी सामने हम बेबुनियाद बोल सकते हैं कि हमारे बापू जी निर्दोष है, निर्दोष ही रहेंगे। अभी 2-4 दिन पहले फैसला आया असीमानंद जी को 10 साल बाद फ्री करा, ये समाज कहाँ सोता है? किसी मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? क्यों मीडिया डिबेट नहीं चलाता? क्योंकि मीडिया भी इस बात को जानता है कि हमें विदेशी फंड से जो मिलता है उसके लिए वो आवाज़ उठाते। बाकी बापू जी निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। करोड़ों लोग आज भी बापू जी को मानते, हर लोग पागल नहीं हो सकते। आज करोड़ों लोग बापू जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उनको कुछ मिला है, ऐसा मिला तब वो आगे पीछे भटकते हैं। ऐसे ही कोई 10वीं पढ़ा, कोई 12वीं, कोई ग्रेजुएट, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर। कल ही हम बड़ौदा में जब सेवा कर रहे थे शरबत की, तो गुजरात हाई कोर्ट के वकील की पत्नी जी आई है, उनका मेरे पास फोटो भी है, और उन्होंने भी शरबत की सेवा करवाई थी। तो वकील की पत्नी कोई बेवकूफ तो नहीं हो सकती, लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ सच्चा ज्ञान मिलता है, इसीलिए लोगों में कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं। हरिओम हम दावे के साथ कह सकते हैं सारे आरोप बेबुनियाद है। ये सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए ये आरोप लगाए गए, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। पक्का विश्वास? पक्का 110% नहीं, हम 1000% कह सकते दावे के साथ। जो बापूजी के शिष्य हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने का हमें बापूजी सिखाते हैं, हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारे बापूजी तो साक्षात भगवान है। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते, सोचना भी एक गुनाह है, और ये दुनिया भी जानती है। ऐसा नहीं है कि
90% लोग जानते हैं कि बापूजी, लेकिन ये क्या है, राजनीति के तहत फंसाए गए हैं। बाकी बापूजी को करोड़ों लोग आज भी मानते हैं और वो जानते हैं कि बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। क्या मांग करोगे सरकार? सरकार से यही मांग करेंगे, अगर संत, संस्कृति, गोहत्या ऐसे मुद्दों को लाइए और संतों की रक्षा होगी तो संस्कृति की रक्षा होगी। अगर संत नहीं रहेंगे तो संस्कृति नहीं रहेगी और संस्कृति नहीं रहेगी तो भारत देश एक खतरे पे आएगा। अभी राम मंदिर नहीं, गोहत्या, संतों के साथ अन्याय, इससे कैसे देश आगे बढ़ सकता, आप खुद ही सोचिए। अगर देश में संस्कृति होगी, संतों की रक्षा होगी, गोहत्या पे रोक होगी, राम मंदिर जैसा भगवान का मंदिर बने तो भारत संस्कृति का उत्थान होगा, बाकी फिर हमारी संस्कृति खतरे में है। प्रभु आपने देखा ये भाई बड़ौदा से आए और वो लोग नाथद्वारा से आए, इनका यही कहना है कि बापू के साथ हम जब से जुड़े तब से हमको पता चला कि हिंदू संस्कृति क्या होती है, धर्म क्या होता है। बापू ने हमें संयम सदाचार का पाठ पढ़ाया, आश्रम के अंदर इतने सालों से जाते, कभी कोई गलत गतिविधियां इन लोगों ने नहीं देखी। और एक आश्चर्य की बात है कि इतने गंभीर आरोप लगे उसके बावजूद आज भी भक्त लोग आसाराम जी, बापू नारायण साईं जी को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को, जल्द से जल्द नारायण साईं जी को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत सेशन कोर्ट से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए।